नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है ऐसे मुद्दे को लेकर जो अब देश के महानायक के रूप में उभरे हैं अन्ना हजारे। इन्होंने देश को, खास करके कांग्रेस को पूछा है। अन्ना हजारे जी ने कहा है कि मुझे अब तक लोग कहते थे कि कांग्रेस में कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा बचा है। इसलिए इस विषय पर सबसे ज्यादा SMS, फोन और ईमेल करके लोगों ने हमको कहा कि इस मुद्दे पर आप राय लीजिए। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि कई पार्टियां हैं जिनमें खराब लोग, बल्कि हर पार्टी में कुछ प्रतिशत में खराब लोग घुसे हुए हैं। कांग्रेस में कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसा मैं आज भी मानता हूं, लेकिन वो लोग दिखते क्यों नहीं? वो लोग अन्ना पे ऊपर हो रहे अन्याय में सामने क्यों नहीं आते? इस सवाल के कारण ये सवाल पैदा होता है कि कोई अच्छा बचा है नहीं। इस मुद्दे पर आज आपको राय देनी है और अपनी बात को रखना है। अन्ना की बात से आप सहमत है या क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखिए। सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। देश का हर नागरिक आज अन्ना हजारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भ्रष्टाचार की इस जंग में क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, जिसका जितना हो सके उतना योगदान कर रहे हैं, लेकिन देश की उस कांग्रेस पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। उस कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिसके नेता कभी आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते थे, जिसके नेताओं की एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता था। बस एक ही नजारा दिखता था, देशभक्ति और देशभक्तों की टोलियां। लेकिन आज क्या हो गया है उस कांग्रेस को? आज कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेता नहीं दिख रहा जो अन्ना हजारे के साथ खड़ा हो। क्यों अन्ना को कहना पड़ गया कि क्या कांग्रेस में एक अच्छा व्यक्ति नहीं बचा जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खड़े लोगों की बात सुने और समझे? क्यों वो एक गांधीवादी आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे? क्या कांग्रेस की नीति बदल गई है या कांग्रेस में ऐसे नेताओं का अकाल पड़ गया है जो देश हित में सोच सके? क्या कांग्रेस के नेताओं की संवेदनशीलता खत्म हो गई है? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है आज के हालातों को देखकर। जब पूरा देश भ्रष्टाचार के लिए एकजुट है तो ऐसे में कांग्रेस के नेता अपने घरों में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री की रोजा इफ्तार पार्टी में नेता काजू बादाम की दावत उड़ा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर एक देशभक्त गांधीवादी अन्ना हजारे के साथ हजारों लोग पिछले कई दिनों से भूखे बैठकर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज कांग्रेसी नेता अन्ना हजारे के आंदोलन को संविधान के लिए खतरा बताते हैं। कहते हैं अन्ना तानाशाही दिखा रहे हैं। आज इन कांग्रेसियों को जनता की लोकतांत्रिक मांग तानाशाही लग रही है। जब जनता अपना हक मांगने के लिए खड़ी हो गई है, तब ये भ्रष्टाचारी उस आवाज के साथ खड़ा होना तो दूर, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में वाकई ऐसे नेताओं का अकाल पड़ गया है जो कभी जनता की आवाज हुआ करते थे। आज तो बस ऐसे नेता बचे हैं जो गांधी परिवार के चापलूस हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, गांधी परिवार को खुश करना। ये नेता अब देश की जनता के लिए नहीं, कांग्रेस परिवार के लिए काम करते हैं। आज कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो देश के बारे में सोचे। यही है हमारा आज का सवाल। आप भी दे सकते हैं अपनी राय बिंदास बोल में। तो आप भी अपनी राय को दे सकते हैं। और राय देने के लिए पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार। आज का प्रश्न के क्या कांग्रेस में अब अच्छे आदमी नहीं रह गए? थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। राजनीति में हमें उस आदमी को अच्छा नहीं कहना चाहिए जो सिर्फ झूठ नहीं बोलता या शराब नहीं पीता। राजनीति में तो उसे अच्छा आदमी कहा जाएगा जो देश हित की सोचता हो और दृढ़ता से स्वयं भी ऐसा आचरण करे और दूसरों को भी करने की प्रेरणा दे। ऐसे लोग तो कांग्रेस में मेरे विचार में लाल बाल पाल के बाद कुछ कम ही हुए हैं। देश विभाजन, चीन समस्या, कश्मीर समस्या, हिंदू मुस्लिम तनाव एवं देश की अन्य 80% समस्याओं के लिए पुराने तथा कथित अच्छे कांग्रेसी नेता ही उत्तरदायी हैं। चाटुकार पहले भी कांग्रेस में थे और अब भी हैं। हाँ, परिवारवाद पहले इतना नहीं था और घोटाले बाद भी कम थे। बिल्कुल, धन्यवाद जाना जी। आप भी अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। फोन लाइन खुली हुई है और वहां पर नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात को बेखौफ होकर कह सकते हैं। एक और कॉल। मुकेश कुमार लोरी बोलिए। हेलो सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। मुकेश कुमार लोरी, ग्राम जिला बोल रहा हूँ। हाँ
असल तो अपने कांग्रेस पार्टी में ऐसे कोई नेता नहीं बचे जो जन लोकपाल बिल को पास करते हैं। बिल्कुल यही तो अन्ना कह रहे हैं। असल इनका ये मतलब इतनी भी बची कि अपने जो कांग्रेस सरकार है वो अन्ना जी का साथ दे सके, कोई इनका 11 दिन अनशन पे बैठा हुआ है। बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी हम जाएंगे लेकिन उसके पहले कुछ एमएमएस देखेंगे, कुछ एसएमएस देखेंगे, कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया भी यहां पर आई है उस पर भी जाएंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। यहां पर एसएमएस आया है, राजकोट गुजरात से किमजी भाई पटेल एसएमएस में कहते हैं कि मैं पुराना कांग्रेसी हूं, अच्छा हूं शायद लेकिन आवाज उठा नहीं सकता, इसलिए मुझे बुरा कहने में कोई शर्म नहीं है। मुझे लगता है कि ये गांधीवादी नेता होंगे, इनके नाम से लग रहा है और इनकी जो प्रतिक्रिया आई है काफी निराशा के साथ आई। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, संजय कौशल गुड़गांव से। हाँ बोलिए। देखिए मैं आपके प्रोग्राम से काफी दिनों से जुड़ा हूँ, बहुत बार कॉल करता हूँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत बार कॉल हमारी बीच में काट दी जाती है तो प्लीज हमारी बात करें। अपनी बात को कम शब्दों में अच्छी तरीके से रखिए तो अच्छा होगा। पिछले 10 दिनों से लगातार अपनी छुट्टियां लेके यहाँ पर जाता हूँ, अभी भी मैं जस्ट वहीं से वापस आया, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का जो क्या क्या रिस्पॉन्स आता है वो टीवी में भी देखते हैं, तो कांग्रेस की जो आपका ये आज का मुद्दा है, हो सकता है कांग्रेस में व्यक्तिगत तौर पे अच्छे लोग हों, बट जब इसकी पॉलिसीज है, इनकी थिंकिंग है कांग्रेस पार्टी की, उसके हिसाब से आज की डेट में कोई भी नेता उस सोच के हिसाब से नहीं है कि हमें एक देश हित में आज जो मूवमेंट बनी हुई है, एक सारा देश सड़कों पे उतरा हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, वो शायद उनकी सोच नहीं है। बट आपका जो आज का मुद्दा है ये पार्टी वाइज ना होके तो पॉलिटिक्स की कह सकते हैं कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अन्ना ने ये सवाल उठाया, वो खेद के साथ उठाया, किसी भी दल के लिए ये सवाल अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत के हर क्षेत्र में हर काम में अच्छे लोग हो, कांग्रेस में भी अच्छे लोग होने ही चाहिए, लेकिन ये सवाल है कि अगर है तो कहाँ है। मैं हमारा ये कहना कि और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो खुल के सामने है, सिर्फ कल की जो केजरीवाल और किरण बेदी जी की अडवाणी जी के साथ मीटिंग थी उसके बाद आज बीजेपी ने थोड़ा सा स्टैंड क्लियर किया है। नहीं देखिए कई छोटे मोटे दल हैं, उन्होंने 8 दलों ने पहले अन्ना को समर्थन दिया हुआ, ऐसा नहीं दिया है, असम गण परिषद ने दिया है, जिनके 2-2, 4-4 सांसद है, जो मेन विपक्षी पार्टी है उसने भी आज तक अपना कभी स्टैंड क्लियर नहीं किया। वो सब कहते थे कि हम उस मुहिम को अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लोकपाल लाना चाहते हैं, लेकिन वो क्लियर कभी नहीं बोले कि अन्ना जी का जन लोकपाल है हम उसको लाएंगे। तो ये बहुत इन लोगों की जो विचारधारा है, सब पार्टी आज की डेट में पॉलिटिक्स खेल रही है, कोई अन्ना जी का नहीं सोच रहा है। बिल्कुल मेरा कहना ये है। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद संजय जी। अब अपनी बात को, अपनी राय को, जो भी अपने विचार हो कह सकते हैं। मैं हमेशा कह सकता हूं कि देश में भले ही कोई लोकतंत्र चलाने देता हो ना देता हो, बिंदास बोल में हम आपकी जो भी राय रखने देते हैं, क्योंकि ये आपका देश है, ये आपका चैनल है और आपके राय का यहाँ सम्मान है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार, मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ कतर से। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए प्रधानमंत्री अपने देश का है, हाँ। उनके एक भाई 74 साल का बूढ़े होके अन्ना जी 11 दिन से भूखे मर रहे हैं, और इनके ऊपर कोई सरकार की देख रेख नहीं है, वो भूखे अनशन पे है देश के लिए। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि मेरे पास सत्ता है और इनके पास जनता की समर्थन है, तो लोकपाल जितना जल्द हो जल्द से पारित करके उनको आगे अपना भी सेवा ये लोग का उपलब्ध रहेगा। ये भी अगर बनाते हैं तो इनकी भी रक्षा आगे होगी, जनता करेगी, अगर नहीं करते हैं तो इनकी भी विश्वास जनता से टूट जा रही है अभी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप जिन प्रधानमंत्री की बात करें उनके लिए एसएमएस आया है आपके, आप जहां कतार से बात करें वहीं से एसएमएस आया है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जो भी है लोकपाल एकदम सख्त लाएंगे और अन्ना जी का बात भी नहीं मानेंगे, तो कौन सा लोकपाल ले लोग लाएंगे। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय भी सुनते हैं। नमस्कार सर, मैं राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। बोलिए राकेश जी। सर सम्माननीय राहुल गांधी जी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने आज जो जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे जी का
भाषण दिया है वो देश के हित में नहीं है, देश को नुकसान है। और उनको चाहिए था कि जनलोकपाल बिल के उसमें उनको बोलना था कि जो अन्ना हजारे जी का जनलोकपाल बिल है उसमें आज पूरा भारत देश खड़ा है और राहुल गांधी जी भारत देश में ही रह रहे हैं, तो उनको जनलोकपाल बिल के समर्थन में अन्ना हजारे जी के पास जाएं और बोले कि आपका जो प्रस्ताव है उसको मैं मंजूर करता हूं, उनका अनशन तोड़वाएं। आज 11वां दिन हो गया है, ये क्या कैसा देश चलेगा सर, कैसा सम्मान चलेगा? आज बताइए हमारे इस रायपुर में कम से कम 50,000 पब्लिक यहाँ रोड पर पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेसियों से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ को जाए और सम्माननीय अन्ना हजारे जी का जल्दी से जल्दी अनशन तोड़वाए। बिल्कुल, अन्ना हजारे जी के सिर्फ 3 मांग है और 3 मांग बहुत बड़ी नहीं है सर, उसको 3 मांग को तोड़वाया जा सकता है। बिल्कुल, तो सर मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा संदेशा सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाए और राज्यों में लोकायुक्त हो, कम से कम संसद में चर्चा तो कराए, खुले दिल से चर्चा तो हो। बिल्कुल सही कहा। जनलोकपाल बिल की अन्ना हजारे जी की मांग क्या है? बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बात अच्छी कही है। राकेश जी रायपुर से बात को कह रहे थे और इसके पहले जो गुड़गांव से एक प्रतिक्रिया आई थी उसके रिप्लाई में एक एसएमएस यहाँ पर आया है। एसएमएस नारायण ने लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा है, नारायण जी दिल्ली से एसएमएस करके कहते हैं कि बीजेपी भी तब निर्णय पर आई जब उसके कार्यकर्ताओं ने लीडरशिप पे दबाव बनाया। शायद यही आज के लिए बिंदास बोल है कि कांग्रेस के जो अच्छे लोग और कार्यकर्ता अन्ना के बात को मानते हैं वो कांग्रेस के अपने लीडरशिप पे दबाव बनाए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। अन्ना के अनशन के बारे में बताने का था। हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। अन्ना के अनशन के बारे में, हाँ, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है। हाँ, ये कांग्रेस नहीं है, आम आदमी का नहीं है, ये भ्रष्टाचार की कांग्रेस सरकार है। धन्यवाद, हम अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, कई एमएमएस के एसएमएस भी आए हैं उनके पास भी चलेंगे। कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं के साथ आज हम कार्यक्रम आपके सामने ला रहे हैं। हम दोबारा कह रहे हैं कि हम किसी एक दल विशेष के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, सवाल अन्ना ने उठाया है और वो उन ईमानदार लोगों के लिए है जो कांग्रेस में अगर है।